कि उनके दोस्त कैसे हैं। एक उम्र में तो माँ बाप और बच्चों के बीच झगड़ा ही इसी बात का है कि माँ बाप को बच्चों के कुछ दोस्त अच्छे नहीं लगते, और कई बार बच्चों को भी पता होता है कि दोस्त कुछ ढंग के हैं नहीं, कि उनकी हरकतें अच्छी नहीं है, लेकिन वो तर्क देते हैं कि भाई हम थोड़ी वैसा कुछ कर रहे हैं, हमारी तो दोस्ती है, हम थोड़ी कर रहे हैं, आज नहीं कर रहे, करोगे, एक ना एक दिन जरूर करोगे। ये मनुष्य का स्वभाव है, वो जिसके साथ ज्यादा समय बिताता है उसका प्रभाव उस पर पड़ने लगता है। अब कोई कहे कि भाई उसका ही प्रभाव क्यों पड़ेगा, मेरा भी तो उस पर पड़ सकता है, उसकी संभावना कम है। क्योंकि देखिए, अच्छा बनने में ना बड़ी मेहनत लगती है, अच्छाई कठिन है, बुराई कठिन नहीं है, बुरे बनने में समय, बुरा बनना बहुत आसान है। तो वो अच्छा बन जाएगा इसकी संभावना कम है, लेकिन आप गलत रास्तों पर चलने लग जाएंगे इसकी संभावना ज्यादा है। इसका एक बहुत साधारण सा उदाहरण है, क्योंकि यहां युवा बहुत बैठे हैं, कि आपके माँ बाप को आपको दिन में कितनी बार बोलना पड़ता है कि भाई पढ़ लो भाई, पढ़ लो भाई, करियर के लिए, काम के लिए बोलना पड़ता है ना माँ बाप को, क्या सोचा है, क्या करना है, पढ़ाई कर लो, ये कर लो, कितनी बार बोलना पड़ता है, हाँ कि ना, जोर से कहिए, हाँ। तो यानी इतनी बार बोलना पड़ता है। अब दिन में कितनी बार माँ बाप को बच्चों को ये बोलना पड़ता है कि फोन कर लो भाई, थोड़ा तो इंस्टाग्राम चला लो, थोड़ी तो रील देख लो, ये बोलना पड़ता है ना। जबकि हमें भी पता है कि ये चीजें हमारे कुछ खास काम, लेकिन इस चीज के लिए तो किसी को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। जबकि सबको पता है पढ़ाई करना, मेहनत करना, ये आपकी जिंदगी में मदद करने वाला है, पर ये सब करने के लिए हमको लोग चाहिए। कि आज आपको चाहिए कि कोई आए और आपको बताए कि आपको मेहनत करनी चाहिए, जबकि ये जिंदगी का सबसे साधारण तरीका है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सबको पता है, और कहीं ना कहीं अधिकतर बातें सबको पता है। आज 7 दिन में कथाओं को छोड़कर चलिए, क्योंकि कथाएं हम ग्रंथ इत्यादि नहीं पढ़ते कहीं, तो उनको नहीं पता होता, पर जो जीवन से जुड़ी बातें मैं करने वाली हूं, ऐसी कोई नई बात नहीं होगी जो आपको पता नहीं होगी, सब पता है आपको, लेकिन आपको चाहिए भाई कोई आए और मुझे बताए, तब करूंगा। ये बात कहकर मैं अपना ही नुकसान कर रही हूं, क्योंकि अगर आपको पता चल गया तो आप हमको बुलाने वाले नहीं, पर सच यही है कि आज जिन चीजों से हमारी जिंदगी में सुधार आने वाला है, हमको उसके लिए मोटिवेशन चाहिए, और जो चीजें हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही है वो हम बड़ी आसानी से कर रहे हैं। इसका अर्थ ही है कि बुराई में मेहनत नहीं लगती। तो अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं है तो ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको बुरे रास्ते पर जाने को। और देखिए, एक बात मैं हमेशा कहती हूं कि आपके माँ बाप आप नहीं चुनते, चुनते हैं क्या बताइए, हाँ कि ना, नहीं। आपके भाई बहन आप नहीं चुनते ना, आपके रिश्तेदार आप नहीं चुनते, नहीं चुनते। शादी के लिए भी कहा गया है कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है, आज की जोड़ियों को देखकर लगता तो नहीं है। पर सुना तो यही है कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है, तो बचा कौन सा रिश्ता, दोस्ती का।
एकमात्र रिश्ता जिसकी जिम्मेदारी भगवान ने आपको दी है, तुम बनाओ, खुद चुनो, देख के परख के। तो ऐसा ना हो कि जब आप ऊपर जाए तो भगवान आपसे कहे कि एक काम दिया था वो भी ठीक से नहीं किया, कि बाकी तो मैंने सब करके ही रखा था, वो एक काम तो ठीक से कर लेते, दोस्त तो अच्छे बना लेते, पर आपने वो भी अच्छे से, ये सभी शांति बना के रखे, सभी से निवेदन है, संख्या है मुझे पता है, लेकिन कथा के लिए ही है, तो अगर बातचीत करेंगे आप तो कथा में विघ्न पड़ता है, तो निवेदन है बिना बात किए बैठे सभी। आप इधर 7 दिन या तो यहां या तो यहां, कोई भी आए कोई भी बैठे, आपको नहीं देखना है, आपसे ध्यान ध्यान रखिए। तो आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए। अब यहां पर मेरे साथ कौन है, 7 दिन की कथा में मेरी संगत कौन है, भगवान, कि मुझे उन्हीं की बात करनी है, उन्हीं के भजन गाने हैं, उनकी ही लीलाएं कहनी है, तो वो अगर साथ है तो कथा में भाव आ सकता है, वाणी में भाव आ सकता है। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि इन 7 दिनों में कोई भी बात आपको अच्छी ना लगे, बुरी लग जाए, तो मुझे घर का बालक समझकर माफ कर दीजिएगा, इतने घंटे बात करनी है, 7 दिन तक करनी है, एक दो बार इधर उधर हो ही जाती है, हम भी भगवान नहीं है। और दूसरी बात कि यहां कितने हैं जिन्होंने ये कथा पहले भी सुनी है, मुझसे नहीं किसी से भी, चलिए काफी है, और काफी है जो पहली बार सुन रहे हैं। तो जब भी कथा सुनते हैं, कईयों की आदत होती है कि भाई कथा सुनते हैं, खड़े होते हैं, कपड़े झाड़ते हैं, सब वहीं छोड़कर घर चले गए, घर के कामों में लग गए, सब भूल गए, दूसरे दिन फिर खाली दिमाग से आ रहे, पहले दिन का कुछ याद नहीं, ये यहां नहीं चलेगा। तो जैसे जब आप ट्यूशन जाते हैं, बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं, तो 1 घंटे की या आधी घंटे की क्लास होती है, उसके बाद जाने से पहले टीचर क्या देते हैं, होमवर्क। तो आपका 7 दिन का ट्यूशन है ये, और आपका होमवर्क है कि आपको कथा बड़े अच्छे से सुननी है और घर जाकर उसका चिंतन करना है, क्योंकि कल जब आप आएंगे तो कथा आरंभ करने से पहले आपसे पूछा जाएगा कि पहले दिन कौन कौन सी कथाएं हुई, और जब तक आप सभी कथाओं के बारे में नहीं बता देते उस दिन की कथा आरंभ नहीं हुई। ठीक है, आइए आज इस प्रसंग से हम प्रवेश कर रहे हैं, उसे श्रीमद् भागवत का महत्तम कहते हैं। आज ज्ञान की बातें ज्यादा हैं, आज थोड़ा महत्व समझाया जाएगा, भगवान की लीलाएं कल से शुरू होगी और कल से रोजाना एक विशेष आकर्षण होगा, एक उत्सव होगा, तो आज थोड़ा ध्यान ज्यादा, थोड़ा ज्ञान आज ज्यादा है। आइए, वेदव्यास जी ने पहले श्लोक में ही संपूर्ण ग्रंथ का सार लिख दिया, संपूर्ण ग्रंथ ही नहीं समस्त वेदों उपनिषदों का सार लिख दिया, ये कहना गलत नहीं होगा। पहला श्लोक सुनते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। शास्त्रों में भगवान के तीन स्वरूप बताए गए हैं, सत, चित और आनंद मिलाकर हुए सच्चिदानंद। अब सत का अर्थ क्या है? सत का अर्थ क्या है? सत मतलब सत्य। सत्य की परिभाषा क्या है? मैं अकेली बात नहीं करने वाली। जो कभी ना बदले, अडिग रहे, उसे कहते हैं सत्य। जो कभी नहीं बदलता, हमेशा अडिग रहता है, उसे कहते हैं सत्य। तो इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जो कभी नहीं बदलता? भगवान। हम और आप यहां नहीं थे तब भी वे थे, हम और आप यहां हैं तब भी वे हैं, और हम और आप यहां से चले जाएंगे तब भी वे रहेंगे। वो कभी भी बदलते नहीं है। तो आश्रय किसका लेना? हम डायरेक्टली आपको नहीं कह रहे, कारण दे रहे हैं कि आश्रय किसका लेना जो कभी बदले ना, जो बदल जाए, धोखा दे दे, उसका सहारा लेकर क्या फायदा? तो ऐसा कौन है जो बदलता नहीं? भगवान। क्योंकि झूठ हर वक्त बदलता है। कई बार लोग कहते हैं कि भाई आप कहते हो भगवान सत्य है, पर भगवान तो दिखते ही नहीं, संसार तो दिखता है, उसको झूठ कैसे मान ले? पर जो दिखे वो सच, ये तो नहीं लिखा परिभाषा में, उसमें लिखा जो कभी ना बदले। और संसार तो हर वक्त बदलता है, हर क्षण बदल रहा है, हम और आप बदल रहे हैं। बदल रहे हैं कि नहीं, और कब बदल रहे हैं पता भी नहीं चल रहा। देखा जाए तो यहां ऐसा कोई भी है जो ये बता दे कि मैंने इस दिन या इस महीने या इस साल या इस हफ्ते अपना बचपन छोड़ दिया? बता सकता है कोई? बचपन तो छूटता चला गया, कब जवानी चली जाएगी, कब बुढ़ापा आ जाएगा, और ऐसा लगेगा जीवन भर क्या किया, ऐसे निकल गया समय। तो हम बदल रहे हैं, हमारे आश्रय बदल रहे हैं। देखिए जीवन में आश्रय बहुत बार बदलते हैं, पर कुछ महत्वपूर्ण आश्रय हैं। एक छोटा सा बच्चा है, उसके सामने 1 करोड़ रुपए रख दो और एक तरफ कुछ खिलौने रख दो, बच्चा क्या उठाएगा? जोर से कहिए, खिलौने। आप क्या उठाएंगे? पैसे। कोई भी समझदार व्यक्ति पैसे ही उठाएगा। अब मान लीजिए बुढ़ापा आ गया है, ज्यादा समय बचा नहीं। अब कोई आपसे कहे कि जो कुछ बचे दिन, कुछ बचा समय आपके पास है, उतने समय में या तो आपको 10 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे, या वो कुछ समय आपको आपके परिवार के साथ पूर्ण रूप से मिलेगा, अच्छे से। आप क्या चुनेंगे? परिवार। यानी एक ही जिंदगी में 3 बार आश्रय बदल गए, लेकिन इसी जिंदगी में एक ऐसा आश्रय था जो कभी नहीं बदला। कि छोटे से बच्चे से कहते हैं जय जय करके दिखाओ तो हाथ जोड़ लेता है, और वहीं अंत समय तक व्यक्ति भगवान का नाम लेता रहता है।
तो एक ही ऐसा आश्रय है जो कभी नहीं बदलता। और भगवान का तो देखिए नाम ही ऐसा है कि भगवान को नहीं मानने वाला भी परेशानी में भगवान को याद करता है। मान लीजिए आप किसी दिक्कत में हैं, सबसे पहले आपके मुंह से क्या निकलता है? ये भगवान। अंग्रेजी में कहे तो, अब भले ये बोलने वाला नास्तिक है लेकिन मुंह से नाम किसका निकलता है? और कैसे बताए कि भगवान सबके अंदर बैठा है, कि परेशानी में आपको याद भगवान ही आते हैं। आनंद क्या है? हमें लगता है यहां चले जाएंगे बड़ा आनंद आ जाएगा, ये देख लेंगे बड़ा आनंद आ जाएगा, यहां घूम आएंगे बड़ा आनंद आ जाएगा, ऐसा कर लेंगे बड़ा आनंद आ जाएगा। ये कुछ समय के आनंद है। देखिए इस पूरे संसार में सबसे ज्यादा मनोरंजन के साधन मनुष्य के पास है, हां कि ना? सबसे ज्यादा, फिर भी सबसे ज्यादा बोर मनुष्य होता है। सबसे ज्यादा मनोरंजन के साधन है उसके पास और हर समय वो साधन बदलते रहते हैं, फिर भी वो हर कुछ समय में बोर हो रहे हैं। कुछ नया चाहिए। जानवर कब से ऐसे ही चले आ रहे, हमें हर समय कुछ नया चाहिए और फिर भी हम खुश नहीं है, क्योंकि ये आनंद है नहीं। देखिए ये सब कहने का अर्थ नहीं, मैं आपसे कह रही हूं संसार छोड़ दीजिए, मैं कभी नहीं कहती, किसी कथा में आज तक नहीं कहा कि संसार छोड़ दीजिए, काम मत करिए, व्यापार मत करिए, धन मत कमाइए। अरे कैसे नहीं कमाए? नहीं कमाना है तो वैराग्य लीजिए, बीच का रास्ता मत अपनाइए। मनुष्य आज यही कर रहा है, बीच में अटक गया, ना यहां का ना वहां का, ना ठीक से ग्रहण कर पा रहा है ना ठीक से छोड़ पा रहा है। विद्यार्थी जीवन के बाद दो रास्ते जाते हैं, या तो गृहस्थ या वैराग्य। अगर सब छोड़ना है तो वैराग्य लीजिए, ढंग से छोड़िए, और नहीं छोड़ना तो ढंग से काम करिए। अगर गृहस्थ जीवन लिया है तो कमाई, मैं कभी नहीं कहती कि कमाई मत करिए, पैसे मत कमाइए, सब छोड़ दीजिए, हमने नहीं छोड़ा। आपको क्या बोले? तो ये सब करने में दिक्कत नहीं है, ये चीजें जब आप पर हावी हो जाती है तब दिक्कत है। कमल बनना है, कमल के ऊपर पानी की बूंदें भी स्पष्ट दिखाई देती है, वो उसको ग्रहण नहीं करता, पर इसका क्या मतलब कि वो पानी के बीच रहता नहीं, रहता है पर ग्रहण नहीं करता, यानी हावी नहीं होने देता। तो सब कुछ करिए पर इनको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो आपको परेशान कर दे, अगर ऐसी है तो यानी आपने वो शक्ति उसको देकर रखी है। तो हम आनंद इन चीजों में ढूंढते हैं, ये सारी चीजें, धन दौलत जो भी चीजें हैं, ये हमारे आनंद के लिए नहीं है। नजरिया बदलिए। आपका नजरिया है गाड़ी खरीदने से मुझे खुशी मिलेगी, नहीं मिलेगी, पर क्या खरीदे? नहीं खरीदना है। गाड़ी मेरे सहूलियत के लिए है, मुझे एक आरामदायक जीवन देने के लिए है, मुझे खुश करने के लिए नहीं, वो मैं ऐसे ही हूं। मेरी खुशी चीजों पर निर्भर नहीं है, चीजों से आपका आराम निर्भर हो सकता है लेकिन खुशी निर्भर नहीं हो सकती। ये नजरिया आपने जिस दिन बदल लिया, आप हर जगह खुश हैं, आपको खुश होने की किसी के लिए जरूरत नहीं है। तो आनंद को यहां भगवान को बताया गया है कि जिसका जुड़ाव भगवान के साथ हो जाता है ना, वो हमेशा खुश होता है, उसको किसी की जरूरत नहीं होती। और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तीन तरह के ताप है, दैहिक, दैविक, भौतिक। भगवान की कृपा हो तो तीनों तरह के तापों से भगवान हमें मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार भगवान का स्वरूप बताया गया। अब चलते हैं सुखदेव जी के अवतार की कथा की ओर।
जो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ढंग से बताई गई है। पर दंत कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। सभा यानी हिंदी समझ आती है ना आपको ठीक से, तो एक सभा का आयोजन किया, उसमें सभी को बुलाया गया, देवी देवता ऋषिगण इत्यादि सभी आए हैं। उस सभा में एक प्रश्न उठा कि इस 3 लोक 14 भुवन में सबसे कीमती वस्तु क्या है। सब अपनी अपनी राय देने लगे, कोई कहे हीरा, कोई कहे सोना, कोई कहे चांदी। तो ऋषिगण भी बैठे हैं, ऋषिगणों ने कहा कि ये तो बहुतों के पास मिलेगी, यहां भी कई होंगे जिनके पास सोने की वस्तुएं होंगी। किस किस के पास है हाथ उठाओ। इतना डर रहे हैं सब, कितना है नहीं पूछूंगी, है कि नहीं तो हाथ उठाओ। तो है, तो अधिकतर लोगों ने हाथ उठाया है। तो जो सबके पास हो वो कीमती कैसे? कीमती का अर्थ क्या होता है? जो किसी किसी के पास मिले, जल्दी से मिले ना, ढूंढना पड़े आपको, वो सबसे की। और यहां पर कीमती 3 लोक 14 भुवन में सबसे कीमती पूछा जा रहा है, यानी वो तो ढूंढने पर भी मुश्किल से मिले। तो वो कहे कि ये सब तो बहुतों के पास मिलेगा। तो सब कहे कि फिर आप ही बताइए सबसे कीमती क्या है। बोले अगर सबसे कीमती कुछ है तो वो है प्रेम। अच्छा, हमारे आपका प्रेम नहीं, हमारा तो स्वार्थ का है, आज किसी से, कल किसी और से, परसों किसी और से, हम स्वार्थ का प्रेम करते और करते हैं, ये साफ सी बात है। हम सबसे स्वार्थ का प्रेम करते हैं, हमारा स्वार्थ खत्म नहीं हो सकता, मनुष्य का प्रेम बिना स्वार्थ के नहीं हो सकता। बस वो प्रेम कितना अच्छा है वो निर्भर करता है आपका स्वार्थ कितना कम है। 1% तो रहेगा, बिल्कुल निस्वार्थ हो ही नहीं सकता, 1% तो होता है, कहीं पर 90% स्वार्थ ही चल रहा है। पर मनुष्य के रिश्ते स्वार्थ के होते हैं। तो यहां बताया जा रहा है कि प्रेम यानी जो निस्वार्थ है, जिस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, वो दुनिया में सबसे ऊपर है, उससे ऊपर और कुछ नहीं है। तो सब कहे कि फिर ये कहां मिलेगा। फिर सब अपनी अपनी राय देने लगे, कोई कहे कि हो ना हो ब्रह्मा ब्रह्माणी के पास तो जरूर होगा। ऋषिगण कहे कि ब्रह्मा जी तो रचना के कार्य में बड़े व्यस्त है, ब्रह्माणी के लिए समय ही कहां है। अब वहां नारद जी भी बैठे हैं, नारद जी किसके भक्त हैं? विष्णु भगवान के। उन्होंने कहा मेरे प्रभु विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के पास तो जरूर है। ऋषिगण कहे क्योंकि उनके वहां भी अगर इतना प्रेम होता तो वो समय ना समय देखकर भक्तों के पीछे नहीं दौड़ते। भगवान गजेंद्र ने मध्य रात्रि में पुकारा, लक्ष्मी जी को छोड़ के भाग गए, इतना प्रेम होता साथ लेकर जाते। तो बोले फिर आप ही बताइए। तो ऋषिगण कहे प्रेम के पराकाष्ठा कहीं है तो वो है महादेव जी और पार्वती माता के पास। एक तो वो उनके आधे अंग पर विराजती है, दूसरा महादेव जी ज्यादा से ज्यादा समय कैलाश पर्वत पे रहते, वो कैलाश पर्वत छोड़कर नहीं जाते, क्योंकि बाकी सबका महल था, उनका कोई महल, वो हमेशा से कैलाश पहाड़ पे रह रहे हैं, ना दरवाजा ना कुछ, कोई भी आ जाता है। वैसे ऐसा नहीं है, महल उनका भी था,
पार्वती माता ने एक दिन जिद पकड़ ली कि सबका अपना अपना महल है सिवाय हमारे, हम पर्वतों पर रहते हैं तो मुझे मेरा महल चाहिए। भोले बाबा कहते कि अब महल की क्या जरूरत। माता ने कहा नहीं, मुझे मेरा महल चाहिए और मेरे हिसाब से चाहिए, मैं जैसे कहूं वैसा ही बनना चाहिए। आइए, बहुत सुंदर प्रसंग है। और कैसे कथाओं के पीछे कथाएं होती है। कई कथाएं हमें साधारण तौर से पता होती है पर वो हुई क्यों इसका कारण नहीं पता होता। तो यहां पर एक दिन पार्वती माता ने जिद की कि मुझे मेरा महल चाहिए। तो भोले बाबा क्या करते सुनते हैं। आइए एक निवेदन, जो भी सामने बैठे हैं पैर बांध के बैठे, जो मुझे दिख रहे हैं सभी से निवेदन है, कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले। देखिए हर व्यक्ति के कुछ सपने होते हैं जिंदगी के, उसमें से एक सपना होता है अपना घर, जिसको उसने अपने हिसाब से बनाया हो। कईयों के सपने पूरे हो जाते हैं कईयों के, तो आप भी मन से गाइएगा क्या पता पार्वती जी के साथ साथ आपका महल भी तैयार हो जाए। पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना, क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना, मैं क्या कहना। पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, पार्वती।
कोई भी देखे तो बोले बस।
तैयार हो गया, बहुत सुंदर महल बना, सोने का महल था, पूरा महल सोने का बना था। अब गृह प्रवेश की पूजा हो रही है, पंडित जी को बुलाया गया है, विशेष श्रवा नामक पंडित जी आए हैं। कौन आए हैं, कौन थे विशेष श्रवा? रावण के पिताजी विशेष श्रवा थे, रावण के पिताजी ये आए हैं पूजा कराने। तो ये अच्छे से पूजा करा रहे हैं, सभी बैठे। फिर क्या होता है, दक्षिणा की बारी है। पंडित जी कहते हैं, सुंदर महल बना सोने का, सुंदर महल बना सोने का, इसे दान में दे देना। और जितना हम महादेव जी को जानते हैं, उन्होंने क्या कहा होगा, तथास्तु। तो जो सोने की लंका थी वो रावण की नहीं थी, वो पार्वती जी का महल था, जो रावण के पिताजी ने दक्षिणा में मांग लिया था। तो सुंदर महल बना सोने का, सुंदर महल बना सोने का, मिल जाएगा, और अगर आपकी किस्मत में नहीं है तो मिल कर भी चला जाए। तो भगवान जिसको जो देते हैं उसके कर्मों का देते हैं, किसी से जलने की जरूरत नहीं है। और कोई आपसे भी जले तो उससे मतलब रखने की जरूरत, कई बार लोगों को लगता है और कई बार होता भी है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को देखकर आपको लग रहा है कि उसने इतनी मेहनत करी भी नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हर व्यक्ति को उसके कर्मों का मिल रहा है। अंतर यही है, या तो इस जिंदगी के कर्म है या पिछली जिंदगी के कर्म है। किसी ने उस समय बड़े अच्छे कर्म किए थे कि आज की जिंदगी उसकी आसान है, पर वो कर्म उसी के हैं, वो फ्री में नहीं मिला है उसको, उसने कर्म वैसे किए थे। तो मिलता तो उसको अपने कर्मों का ही।
तो भगवान कहते हैं जिसकी जो तकदीर है संजो बस उतना ही मिलता है, जिसकी जो तकदीर है संजो बस उतना ही मिलता है, जिसकी जो तकदीर है संजो बस उतना ही मिलता है। अब किसके लिए है? भजन के लिए। तू तो भजन किए जा प्यारे, तो अर्थ है कि भक्ति भी ऐसी करो जो आपको देखे और कहे भाई भक्त हो तो बीच का रास्ता नहीं अपनाना, तो भक्ति भी करो इतने अच्छे से करो। एक बार उठाइए पूरे पूरे हाथ। तू तो भजन किए जा प्यारे, तू तो भजन कथाएं होती है। लंका को आग किसने लगाई? जोर से कहिए। गलत जवाब। अब आपको लग रहा होगा ना ये क्या, 50 साल से हमको यही पता था हनुमान जी ने आग लगाई। किसने लगाई बताओ? पार्वती जी ने। कैसे अब सुनते हैं? आओ जल्दी जल्दी बैठो, जल्दी जल्दी बैठ जाओ, जहां जगह मिले बैठ जाओ। पार्वती जी ने कैसे? हनुमान जी किसका रूप है? शंकर जी का। तो जब शंकर जी अवतार ग्रहण करने जा रहे थे, जब शंकर जी अवतार ग्रहण करने जा रहे थे तो पार्वती जी ने कहा कि मुझे भी कोई जरूरी काम है, मुझे भी साथ चलना है। तो भोले बाबा ने कहा कि मैं साथ लेकर नहीं जा सकता। क्यों नहीं लेकर जा सकता? बोले क्योंकि जिस समय मैं अपने प्रभु से मिलूंगा वो पत्नी विरह में होंगे। जब हनुमान जी श्री राम से मिले थे तब तक सीता माता का हरण हो चुका था, यानी वो पत्नी के बिना थी। तो सेवक होने के नाते मुझे शोभा नहीं देता मैं पत्नी लेकर जाऊं। वो बेचारे पत्नी विरह में होंगे, वो उन्हें याद कर रहे होंगे, मैं पत्नी के साथ जाऊं तो मैं साथ लेकर नहीं जा सकता। तब पार्वती माता ने हनुमान जी की पूंछ का रूप लिया था कि मैं साथ होके भी आपके साथ नहीं रहूंगी। इसलिए जब लंका को आग लगाई गई तो हनुमान जी ने हाथ तक नहीं लगाया, हो गए मेरा काम है ही नहीं भाई, ये किसी और का बदला चल रहा है यहां पर। तो आग पार्वती जी ने लगाई थी
कि ये महल मेरा था, मेरा ही रहेगा और मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं। तो उन्होंने लंका को, वरना क्या ऐसे भी रावण का वध तो होने ही वाला था, लंका को आग लगाने की क्या जरूरत थी, पर वो उसका महल था ही नहीं। और है भी गलत बात, ये कोई बात है पंडित जी घर की पूजा कराने और घर ही लेके चले गए? आप हम कुछ सोचिए कि आपने पंडित जी को पूजा के लिए बुलाया, अंत में वो घर ही लेके चले गए, तो बात तो गलत थी। कैसे कैसे किसी का नया घर आप लेकर जा सकते हो? तो यहां पर शांति, तो इस प्रकार तो वापस से ये कैलाश पर्वत पे आ गए। भोले बाबा कहे, मैंने पहले ही कहा था यही ठीक है, आपको महल की जरूरत थी जबरदस्ती। तो उन्होंने कहा कि अगर प्रेम की पराकाष्ठा कही है, सबसे ज्यादा प्रेम कही है, तो वो है भोले बाबा और पार्वती माता के बीच। नारद जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं उनके बीच झगड़ा करवा दूं तो? देखिए, अब आपको लग सकता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, पति पत्नी के बीच तो झगड़े होते ही है। नहीं, आपस में झगड़ना अलग बात है, किसी तीसरे की वजह से झगड़ना अलग बात है। अब आपस में कितना ही झगड़ लो चलेगा, कोई तीसरा आए और आप दोनों के बीच झगड़ा करवा के चला जाए तो मतलब प्रेम में अभी भी कमी है। तो उन्होंने कहा मैं करवा दूं तो, क्योंकि उनकी नजर में वो बार बार कह रहे हैं कि विष्णु भगवान और वो उनके भक्त हैं ज्यादा। तो उन्होंने कहा मैं उनके बीच झगड़ा करवा दूं तो? बोले तब की तब देखी जाएगी। अब नारद जी रोजाना जाए पर दोनों को साथ बैठा देख, क्योंकि वो जाते ही नहीं कैलाश पर्वत छोड़कर, यहां तक के तीनों देवों को भी अगर मिलना है। तीन देव कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी को आना पड़ता है, ये नहीं जाते तो वो नहीं छोड़ के जाते कैलाश पर्वत। लेकिन एक दिन संयोग से उनको कहीं जरूरी काम से जाना था तो भोले बाबा बाहर गए हुए थे, माता अकेली थी। तो आते हैं, नारद जी ने प्रणाम किया, माता ने कहा कैसे आना हुआ? बोले वो बाबा से जरूरी काम था। वो कहाँ है? माता ने कहा कि वो तो अभी बाहर गए हैं, कोई बहुत जरूरी काम है मुझे कह दो, मैं उनके आते ही उनसे कह आऊंगी। नारद जी कहे नहीं, वो थोड़ी व्यक्तिगत बात थी। व्यक्तिगत यानी पर्सनल, सबको नहीं बता सकते। पार्वती जी ने कहा आपके बाबा और मेरे बीच कोई व्यक्तिगत बातें नहीं रहती, वो मुझे सब बताते हैं। नारद जी कहे मैं नहीं मानता, पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है, ये सच है। देखिए ऐसा नहीं है, ये सब लीला है, कोई वो जानबूझ के झगड़ा नहीं करा रहे, लीला है, कुछ ना कुछ कारण से हर काम होता है। तो ये बात भी बताने का अर्थ ये सच है। तो उन्होंने कहा कि पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से, यहां जितने भी शादीशुदा पुरुष बैठे घर जाके सब की क्लास लेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता, कोई ना कोई बात तो वो छुपाता ही है। माता ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। बोले अगर नहीं है तो आपने अमर कथा सुनी है? माता ने कहा नहीं, ये कौन सी कथा है? बोले बहुत गोपनीय कथा है, बाबा हर किसी को नहीं सुनाते, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसे ही सुनाते हैं। माता ने कहा इसका मतलब मुझसे प्रेम ही नहीं करते? बोले वो मैं क्या जानू, अच्छा मैं चलता हूं, बाबा से मत कहना मैं आया था,
नारद जी ने अपना काम। अब उनके दिमाग में एक ही बात चल रही है, ये अमर कथा क्या है, ऐसी कौन सी कथा है, मुझे क्यों नहीं सुनाई। और देखिए उनका नाराज होने का एक और कारण है कि मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं, तो भोले बाबा और पार्वती जी के बीच आए दिन आध्यात्मिक चर्चाएं होती है, वो आए दिन कोई ना कोई कथा सुनाते ही रहते हैं। इसलिए कई श्लोक कहिए, दोहे कहिए आते हैं बीच में, जो शुरू होते हैं उमा नाम से। जैसे एक है, उमा राम स्वभाव जिन जाना, तीनी भजन तटी भावना आना। जिसने राम के स्वभाव को समझ लिया ना, वो भजन छोड़ ही नहीं सकता। छोड़ेगा वही जो भगवान को जानता नहीं है। जिसने राम के स्वभाव को समझ लिया वो छोड़ ही नहीं सकता राम को। स्वभाव ऐसा है, ये सच है। आज जब हम निस्वार्थ प्रेम की बात कर रहे हैं, किससे सीखे निस्वार्थ प्रेम बताओ, कौन ऐसा जो निस्वार्थ प्रेम करता है? भगवान हमसे। क्योंकि यहां एक भी व्यक्ति अगर मुझे यह बता दे कि आपके पास भगवान को देने को ऐसा क्या है जो भगवान के पास पहले से नहीं है, बताओ क्या है आपके पास? उनके पास नहीं है, मैंने कहा जो पहले से उनके पास ना हो। कुछ नहीं, आपसे बड़े बड़े भक्त बैठे ऊपर, है कुछ आपके पास? कुछ भी नहीं। हमारे पास भगवान को देने के लिए कुछ नहीं है ऐसा जो उनके पास पहले से ना हो, फिर भी वो हमारी सहायता करते। आज लोग कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, ये नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां इलेक्शन नहीं होते कि उनको कुर्सी छिन जाने का डर है। वो कहें तुम मानो ना मानो, भगवान मैं ही रहूंगा, तुम थोड़ी देर के लिए आए हो, तुमसे पहले भी मैं ही था, तुम हो तब भी मैं ही हूं, तुम चले जाओगे तब भी। और ऐसे भी हमारे मानने ना मानने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क हमारे आपके जीवन में पड़ता है। आपको मानने को इसलिए नहीं कहा गया कि उनका फायदा होगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप मानो ना मानो वो आपकी सहायता करते हैं, ऐसे से प्यार कैसे ना हो। यहां जब हमें स्वार्थी लोगों से ही प्यार हो जा रहा है तो वो तो इतना निस्वार्थ प्रेम कर रहे हैं, उनसे कैसे ना हो जो आपसे बदले में कुछ नहीं मांग रहे, भक्ति भी नहीं मांग रहे, वो कह रहे कर्म ही कर ले, पूजा पाठ भी मत कर, कर्म कर उसका ही फल दे दूंगा, कुछ नहीं मांग रहे वो आपसे। तो यहां पर इसीलिए उनको ज्यादा दुख है कि जब इतना कुछ सुनाया मुझे ये क्यों नहीं। इसका मतलब नारद जी की बात सच है, वो बस एक ही दिमाग में एक ही विचार चल रहा है, भोले बाबा का आना हुआ, रोज की तरह कोई स्वागत नहीं, कोई आओ भगत नहीं, दरवाजे भी कोई लेने तक नहीं गया, आके खुद ही बैठ गए। आने के बाद भी कोई बात नहीं, वरना 10 प्रश्न होते हैं, दिन कैसा था, क्या किया, कोई बातचीत नहीं। तो उन्होंने खुद ही ने पूछ लिया कि आप ठीक तो हैं? माता ने कहा पहले तो ये बताइए आप मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं। भोले बाबा का ये कोई पूछने की बात है, बहुत प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम ही हम आपसे करते हैं। तो बोले ये अमर कथा क्या है? भोले बाबा कहे इसके बारे में किसने बता दिया? माता ने कहा कि आपने मुझे आज तक क्यों नहीं सुनाई? भोले बाबा ने कहा अरे नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। माता कहे अब तो सुनानी ही पड़ेगी, अभी तक क्यों नहीं सुनाई? बोले बाबा कहे एक बात बताइए, मैंने आपको इतनी कथाएं सुनाई है, बोले तभी तो मुझे तकलीफ हो रही है, ये क्यों नहीं? तो बोले जब भी मैं आपको कोई कथा सुनाता आप क्या करती?
बोले जो करना चाहिए मैं प्रचार प्रसार करती, हर व्यक्ति तक वो बात लेकर जाती जितने तक मैं बता सकती हूँ। बोले बस इस कथा के साथ ये ही नहीं कर सकते। कथा का नाम क्या है? अमर कथा, यानी सुनने वाला अमर हो जाएगा। माता ने कहा ठीक है, मैं किसी को नहीं सुनाऊंगी, लेकिन आप मुझे सुनाइए। तो कैलाश पर्वत की एक ऊंची शिला पर जाकर बैठते हैं, कल्पतरु वृक्ष के नीचे। अब भोले बाबा ने कथा आरंभ करने से पहले पहली ताली बजाई। ताली बजाते ही जितने जीव जंतु थे कैलाश पर्वत पे, वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगे। देखिए ताली का सत्संग में बहुत महत्व है, ये आपको भी समझ तो आता ही होगा। कारण नहीं पता होगा, बात अलग है कि आप कोई भी कीर्तन कथा में जाइए, आपको ताली बजाने को बहुत कहा जाता है। और कई बार लोग थोड़ा सा झुंझला जाते हैं कि क्या बार बार ताली बजा रहे हैं ना, पर ऐसे नहीं करना। ताली आपको भगवान के करीब लेकर आती है। कैसे? कुछ चीजों से दूर करके। पहला है अहंकार। अब मुझे यहां का नहीं पता, जब हम भारत में कथाएं करते हैं तो कथाओं में 7 दिन में कई बड़े बड़े लोगों को, तंत्री मंत्रियों को बुलाया जाता है, व्यापारी वर्ग से बड़े नाम आते हैं, तो सब नहीं पर कुछ जो कथा में आते हैं ना, ये ताली नहीं बजाते। इसी व्यक्ति को अपने घर पे अपने पोता पोती के सामने उसको हंसाने के लिए जोर जोर से ताली बजाने में शर्म नहीं आती है, पर कथा या कीर्तन में आके ताली बजाने में बड़ी शर्म आती है, वो ताली बजाता ही नहीं। और कोई बहुत ज्यादा ही उसे फोर्स कर दे ताली बजाने के लिए, तो इनका अपना तरीका है ताली बजाने का। इससे अच्छा तो ना बजाओ। लेकिन ये क्या है? अहंकार। कि व्यक्ति उस वक्त सोच रहा है मैं कौन हूं, मुझे कैसे रहना है, जबकि भगवान के दरबार में सिर्फ यही सब कुछ है। इससे बाहर आप अपना जीवन जीते हैं, अपने तरीकों से जीते हैं, अपने नियम कानून मान, यहां नहीं होता। यहां जो है सिर्फ ये है। तो ताली आपको उस अहंकार से दूर करती है। दूसरा, आलस्य। देखिए कथा में काफी देर तक बातें ही बातें चलती है, और कई बार तो बहुत ज्ञान की बातें आती है, तो इतनी देर तक व्यक्ति चुपचाप केवल सुन रहा है, तो एक तो झपकी, तो मैं सच कहती हूं, एक दो झपकी तो लग जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है जब भी कोई अच्छी बात आए, कोई भजन आए, तो आप इतने अच्छे से ताली बजाइए कि वो ताली उतने समय के लिए आपके शरीर में एक ऊर्जा पैदा करे, तो वो आपको कुछ समय तक जोश में रखे, तो आलस से दूर करती है। तीसरा, कई बार हमारे आसपास ऐसे जीव जंतु बैठ जाते हैं जो खुद तो कथा सुनते नहीं, दूसरे को भी सुनने नहीं देते। हर थोड़ी देर में सुपारी ले, सौंफ ले, पानी ले, कहां से है? इनकी अपनी कथा चल रही है। और सबसे दिक्कत वाली बात है कि ये आएंगे भी 7 दिन। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आके आपको देख लिया तो आप घर बैठो, नहीं, ये 7 दिन आएंगे और 7 दिन परेशान करेंगे। तो लेकिन ये उनको परेशान करते हैं जो खुद इधर उधर देख रहे हैं। लेकिन जब आप खुद मग्न हैं ताली बजाने में, भक्ति में हैं, तो ये आपको परेशान, फिर ये अपने जैसा कोई और ढूंढते, ये ढूंढेंगे। ऐसे व्यक्तियों के लिए कहानी आती है कि एक बार एक गांव में दो दोस्त थे, तो उनके गांव में कथा होने वाली थी, बड़े खुश दोनों। लेकिन
दुर्भाग्य से किसी एक को उन्हीं दिनों में एक जरूरी काम से दूसरे शहर जाना था। तो दुखी हो गया, पर उसने कहा अपने दोस्त से कि तुम तो जाना। वो गया, सातों दिन की कथा सुनी उसने। ये 10 दिन बाद दूसरा दोस्त वापस आता है। उसने वापस आकर कहा कि तुम गए थे? बोले हाँ। बोले कथा सुनी? बोले बिल्कुल सुनी। बोले कथा सुनी? बोले बिल्कुल सुनी। बोले कैसी कथा हुई? बोले एक नंबर, इतनी अच्छी बातें, इतने अच्छे विचार तुमने तो। अब उसको बहुत बुरा लग रहा है कि मैं क्यों गया उस काम के लिए। वो काम छोड़ देता अच्छा रहता है, पर कथा तो सुन लेता। तो तारीफ पे तारीफ किया जा रहा है, ऐसी कथा हुई, वैसी कथा हुई। तो उसने कहा कि अच्छा एक दो बात बताओ ना, क्या हुआ? अरे बोले एक दो क्या, 10 बातें, इतनी सारी बातें, इतनी अच्छी कथा। अरे बोले एक दो बताओ तो। बोले वो याद नहीं, कथा अच्छी हुई। कहां से अच्छी हुई? आपको एक बात याद नहीं? तो इनका ध्यान ही नहीं था कथा में। तो ये वही लोग हैं जो आते तो है मगर ध्यान। तो ये परेशान किसको करते हैं? जो खुद इधर उधर देख रहा है। तो ऐसे जीव जंतुओं से दूर रहने के लिए भी ताली आपके। बस सात दिन बजाना। तो उन्होंने पहली ताली बजाई तो जितने जीव जंतु थे कैलाश पर्वत पे सब छोड़कर चले गए। दूसरी ताली बजाते हैं तो महादेव जी का त्रिशूल 3 बार कैलाश पर्वत की परिक्रमा करता है कि कोई छिपकर तो नहीं बैठा। अमर कथा है भाई। तीसरी ताली बजाते ही सुगंधित हवाएं बहने लग जाती है, भक्ति में वातावरण हो जाता है। अब भोले बाबा ने कहा कि देवी इस कथा में निद्रा रानी भक्त की परीक्षा लेने आती है। निद्रा रानी यानी, तो आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अगर ध्यान भटका तो वो अपनी गोद में माता ने कहा ठीक है मैं ध्यान से सुनूंगी। फिर भी भोले बाबा ने कहा एक काम करिए, क्या पता मैं ही मग्न हो जाऊं। व्यक्ति जब मग्न होता है तो नेत्र बंद कर लेता है, तो मैं ही कथा करते करते नेत्र बंद कर लूं तो मुझे तो पता नहीं चलेगा ना आप जग रहे हैं कि सो रहे हैं। तो एक काम करिए, आप हर थोड़ी देर में हम स्वामी कहते रहिए, तो मेरे कान में आवाज जाएगी तो मुझे पता रहेगा कि आप जग रही है। माता ने कहा ठीक है। अब वो जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उस पेड़ पर एक सुवे का अंडा रखा है, सुवा यानी तोता, सुवा यानी तोता। वो उसी वक्त फूटता है और उसमें से एक शुभ बालक निकलता है, तोते का बच्चा। वो भी बैठकर कथा सुन रहा है। थोड़ी देर तो उसने कथा सुनी, और यहां थोड़ी देर माता ने कथा सुनी, थोड़ी देर बाद वो सो गए। लेकिन भोले बाबा चुप नहीं हो रहे, उन्होंने पूरी कथा करी। अंत में किसी प्रसंगवश उन्होंने नेत्र खोले कि देवी आपने क्या समझा? देवी तो नींद में। अब उनको जगाते हैं। भोले बाबा ने कहा क्या आप सो गए? माता ने कहा मुझसे गलती हो गई। आप फिर से कहिए, मैं आप नहीं सोऊंगी। भोले बाबा ने कहा वो तो ठीक है, पर अगर आप सो रही थी तो अभी तक हम स्वामी कौन कह रहा था? तोते का ये स्वभाव है, वो कोई शब्द बार बार सुन ले उसे दोहराने लगता है। तो माता तो सो गई, वो शुभ बालक कह रहा था हम स्वामी। और ये भक्ति की चरम सीमा है कि भोले बाबा इतने मग्न थे कि उनको तोते की आवाज माता की आवाज लग रही, वो इतने लीन थे। लेकिन अब उनको ये बात पता नहीं, तो उनको लग रहा है कि कौन आवाज कर रहा था। इधर उधर देखते हैं, आंखें ऊपर जाती है। अब उनको लग रहा है कि ये माया भी है
इसने चोरी से कथा सुनी, वो क्रोध में। अब वो शुभ बालक आगे आगे हाथ में त्रिशूल लेकर महादेव जी पीछे पीछे, उनको मारना है। अब वो देवताओं के पास जाए, सबने मना कर दिया। महादेव जी से कौन बैर ले, उसकी मदद करना यानी किसी दुश्मनी लेना, सब पीछे हट गए। जब दैत्यों से संकट आए तो देवताओं के पास जाओ, पर जब देवता से ही संकट हो किसके पास जाएं? बताओ। तब ब्राह्मण देवता के पास जाओ, क्योंकि ब्राह्मण देवता माने ब्राह्मण नहीं, जिसके कर्म देवताओं से हो। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई देवता नहीं बन जाता, लेकिन जिसके कर्म देवताओं से हो उसके पास जाए, वो उनकी बात भगवान तप मानते हैं कि वो उतना तप करते हैं। तो तब वो शुक बालक पृथ्वी पर आता है वेदव्यास जी के घर पर। और ऐसे भी देखिए, साधारण तो बच्चा है नहीं ये शुक बालक, कोई नहीं, आगे जाके जो सबसे बड़े वैरागी हुए हैं शुकदेव जी बनने वाले। तो माया भी तो ऐसे भी है, साधारण तो है नहीं। तो यहां पर वेदव्यास जी की धर्म पत्नी ने उबासी ली, तो उसने छोटा सा रूप बनाया और उनके मुख के द्वार से उनके गर्भ में प्रवेश किया। भोले बाबा आते हैं नेत्रलाल, हाथ में त्रिशूल। वेदव्यास जी कहे, पहली बार तो दर्शन दिए वो भी इस रूप में, क्या गलती हो गई मुझसे? भोले बाबा कहे, एक चोर मेरे यहां से चोरी करके आपके आया है। वेदव्यास जी कहे, चोरी आपके यहां? चुराने को आई क्या? वो क्या रखते अपने पास? अब खाने पीने की वस्तु चुराई हो तो उसके लिए इतना क्रोध? भोले बाबा कहे, उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है, मैं उसे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। वेदव्यास जी कहे, सही नाम है आपका भोले भंडारी। क्यों? अरे अगर उसने अमर कथा सुन ली, वो तो अमर हो गया, आप उसको मार ही नहीं सकते। और मान लीजिए आप महाकाल है, सर्वशक्तिमान है, आप उसे मार दे तो आपकी अमर कथा झूठी हो गई। इसीलिए कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध में सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। बाद में कितना ही सॉरी 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 करते रहो, मतलब नहीं है। ये अच्छा तरीका अपना लिया हमने, गलती करो सॉरी बोलो, गलती करो सॉरी बोलो, और सॉरी भी ऐसे बोलते जैसे एहसान कर रहे हैं कि सॉरी बोल तो रहे हैं, बड़ा एहसान कर रहे हैं भाई, हाँ कि ना? कोई भी गलती करो सॉरी बोल दो, अच्छा तरीका अपना लिया हमने, खेल बन गया हमारे लिए। इसलिए सोचना ही नहीं बोलने से पहले कि बाद में तो सॉरी बोल देंगे। एक पिता थे, उनके बेटे को बड़ा क्रोध आता था, और जब भी क्रोध आए कुछ भी कह देना अंत में सॉरी। तो पिता को लगा इसको समझ नहीं आ रही चीज कि जो भी कर रहा है वो कितना गलत है। एक दिन वो उसको अपने घर के किचन में लेकर जाते हैं, कांच की प्लेट है, हाथ में दी, बोले फेंक दो, उसने तोड़ दी, बोले बोलो सॉरी, उसने कहा सॉरी, बोले जुड़ी, बोले टूटी हुई चीज जुड़ती है क्या? बोले बस तुम भी ये बात समझ जाओ, ये चीज है वो भावनाएं होती है, हृदय होता है, घाव सिर्फ शारीरिक थोड़ी होते हैं, मानसिक घाव भी होते हैं, एक बार टूटने के बाद वो भी कहां जुड़ते हैं। तो आपके सॉरी बोलने से चीजें ठीक थोड़ी हो जाती है, कि हमने बोल दिया और सामने वाला एक मिनट में कोई मशीन थोड़ी है बंद हो जाएगा, कि सॉरी बोल दिया तो ठीक हो जाओ, समय लगता है भाई, इंसान है वो,
पर हमको समझ नहीं आता क्योंकि हम मशीनों के साथ इतना समय बिता रहे हैं कि इंसानों के साथ रहते कैसे हैं ये भूल गए हैं। इसलिए हमको रिश्तों में, काम में, हर चीज में अभी चाहिए, अभी कर दो। अरे रिश्ते छोड़ी, आप भगवान को नहीं छोड़ रहे। व्यक्ति मंदिर जा रहा है उसमें भी मांग कैसे रहा है, अभी कर दो, भगवान अभी दे दो। कोई मशीन थोड़ी है, समय लगता है भाई। इसलिए कहा जाता है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, पर देर है। देर का मतलब है धैर्य, समय लगेगा। आपके मन मुताबिक काम है नहीं होता, काम नहीं होता, उनके मन मुताबिक होता है, क्योंकि उनको पता है कौन सा समय सही है। हमारा क्या, हम कुछ भी मांग लेते हैं और कई बार मिलने के बाद सर पीटते हैं कि क्यों मांगा, हाँ कि ना। इसलिए कई कहते हैं ना, भाई जिंदगी में रिवाइंड बटन होता तो बड़ा अच्छा होता। अपनी हरकतें देखकर व्यक्ति कह रहा है कि मैंने ही हरकतें करी है, ये पहले पता होता तो कभी ना करता। तो हमारा क्या है, हम कुछ भी मांगते हैं। भगवान को पता है क्या सही है और क्या गलत है, तो क्रोध नहीं करना चाहिए। पर फिर भी कई बार लोग हमसे आकर कहते हैं कि भाई इतना तो मत कहिए आप, क्रोध तो आता ही है, ये बताओ शांत कैसे करें। तो उसके लिए भी कहा गया है, और मैं सांसारिक तरीका नहीं बता रही आपको, उसके लिए आप कोई मोटिवेशनल सेशन कराइएगा। पर आध्यात्मिक सत्र में आए हैं तो एक बड़ा अच्छा तरीका है, और आपके पास तो 7 दिन है, करके देख लीजिएगा। हमारे आसपास लोग कम नहीं है गुस्सा दिलाने वाले। तो जब भी क्रोध आए, राधे नाम का उच्चारण कर। जब भी क्रोध कब आता है, जब आपके सामने कोई है जो ऐसा काम कर रहा है, ऐसा कुछ बोल रहा है जो आपको अच्छा, तो आपको गुस्सा आता है उस वक्त। उस वक्त राधे नाम का, और मन में नहीं, जोर से राधे 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 करते जाना, जब तक क्रोध शांत ना हो जाए। इससे दो चीजें होंगी, एक आपका क्रोध शांत होगा, दूसरा जो क्रोध दिला रहा है उसको क्रोध आ जाएगा। करके दिखाओ एक बार, कैसे करोगे? कैसे सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई? अब आपको हंसता देख उसको अच्छा थोड़ी लगेगा, कहां मैं गुस्सा दिलाने का काम कर रहा था और ये। तो चलिए, मुझे नहीं पता मेरे जाने के बाद आप कितनी मेरी बातों को मानने वाले हैं, तो जब तक यहां हूं तब तक करा कर चली जाऊं। तो क्या करना है, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम, कैसा इंतजाम, दुबा पे तारा
उच्चारण करो, ऐसा लग रहा है सब खत्म हो रहा है, हार रहे हो, राधे नाम का उच्चारण करो, क्या होगा? जब गिरते हुए
हमने बाकी बिहारी के दर्शन करने जाते हैं सब, यहाँ कितने गए हुए हैं, क्या बात है। तो वहाँ दर्शन किसके होते हैं? बाकी बिहारी के, पर चलती किसकी है? दर्शन भले ही बाकी बिहारी के, पर चलती वहाँ राधा जी की। तो लोग कहते हैं मैं तो आई वृंदावन था, मैं तो आई वृंदावन था, ओ वृंदावन जिनकी राजधानी।
बैठो, जल्दी जल्दी बैठो सब। तो यहां पर भोले बाबा क्रोध में ये भूल गए कि उसने अमर कथा सुन ली है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मार नहीं सकता, बंदी तो बना सकता हूं, मैं बंदी बनाकर रखूंगा। अब यहां वेद व्यास जी कहे अहो भाग्य उसके, शांति शांति सब। वेद व्यास जी कहे कि यहां वर्षों तपस्या करने के बाद भी किसी किसी को आपकी एक झलक प्राप्त होती है, इसने कितने पुण्य किए होंगे, ये तो जन्म लेते ही आपके साथ रहेगा, ये साधारण तो, ये तो मैं मान गया। भोले बाबा कहे अब आप जो भी समझे, एक बच्चे को जन्म लेने में कितना समय लगता है, 9 महीने। उन्होंने कहा मैंने कुछ समय आपको आपके बच्चे के साथ दिया, मैं 1 वर्ष की समाधि यही लेकर बैठता हूं, 1 वर्ष बाद में बच्चे को लेकर चला जाऊंगा। अब वो शुक बालक गर्भ के अंदर सब कुछ, ये भी कोई साधारण बच्चा तो है नहीं, ये सबसे बड़े वैरागी होने वाले हैं जिनसे हम कल से कथा सुनेंगे। अभी कथा थोड़ी 3-4 जगहों से सुन रहे हैं, कल से सुखदेव जी के मुख से सुनेंगे, तो वो भी कोई साधारण तो है नहीं, तो सुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि समाधि ली भी तो इतनी कंजूसी से, 1 वर्ष की, अरे 16 वर्ष की समाधि तो मैं लेकर बैठता हूं। उस बच्चे ने गर्भ के अंदर 16 वर्षों की समाधि, 1 वर्ष बाद महादेव जी उठते, लाइए बालक। वेद व्यास जी ने कहा बाहर आना तो दूर, उसका आकार नहीं बढ़ रहा, मेरी पत्नी को तकलीफ हो रही है, क्या पता वो आपके डर से बाहर नहीं आ रहा है, आप मेरे कहने पर उसे क्षमा कर दीजिए। भोले बाबा ने, लेकिन वो बच्चा बाहर नहीं आया 15.5 वर्ष, भगवान को नीचे आना पड़ा। अब भगवान गर्भ के बाहर से उससे बात कर रहे हैं, तो भगवान कहे कि तुम बाहर आ जाओ, ये दुनिया बहुत सुंदर है, तुमको यहां बहुत अच्छा लगेगा। वो कहे इसीलिए तो नहीं आना, ये दुनिया इतनी सुंदर है कि यहां आने के बाद जीव आपको भूल जाता है, आपको मानने से इनकार कर देता है। तो भगवान गए पर अंदर तो नहीं रह सकते ना, उनको तकलीफ हो रही है। तो बोले काम करिए, आप अपनी मोह माया रोक दीजिए, तो मैं जैसा अंदर हूं वैसा ही बाहर रहूंगा। बोले मोह माया तो नहीं रुक सकती, तो बोले फिर मैं अंदर ही ठीक हूं। तब भगवान ने कहा ठीक है, 1 क्षण में जितना समय होता है, केवल 1 क्षण, उसका भी जो 100वां हिस्सा होगा, मैं उतने समय के लिए अपनी मोह माया रोक दूंगा। कितना होता है 1 क्षण ही क्या होता है, उसका भी 100वां हिस्सा, पर वो मान गए। उन्होंने कहा ठीक है, पर जब मैं कहूं तभी रोकिएगा। उसने बाहर निकलने की तैयारी कर ली। यहां भगवान अपनी मोहमाया रोकते हैं और गर्भ में से साक्षात श्री सुखदेव मुनि महाराज प्रकट होते हैं। सुखदेव जी को सबसे बड़ा वैरागी माना गया है। एक प्रसंग आता है, क्योंकि ये जन्म लेते ही, ऐसे ही 16 वर्ष लगा दिए इन्होंने, तो जन्म लेते ही ये वन की ओर चले गए थे, तो इनके पिता पुत्र विरह में इनके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो एक तालाब के सामने से जाते हैं, तो उसमें कुछ स्त्रियां स्नान कर रही है। तो जब सुखदेव जी सामने से गए, उनको फर्क भी नहीं पड़ा, उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। जब वेद व्यास जी गए तो वो अपने कपड़े ठीक करने लगे, तो वेद व्यास जी को ये अटपटा लगा। उन्होंने रुककर उनसे प्रश्न किया, उन्होंने कहा देखो
मैं तुम्हारे पिता से भी बड़ी उम्र का हूं। और वो जो सामने गया वो 16 वर्ष का है, यानी उसने जवानी में अभी अभी कदम रखा है। उसको देखकर तुम्हें लज्जा महसूस नहीं हुई? मुझे देखकर जो तुम्हारी दादा की उम्र का है तुम्हें लज्जा महसूस हो रही है? तो उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि आपकी और हमारी नजर में है कि कौन जवान है, कौन बूढ़ा है, कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, वो जो पहले गया ना उसकी नजर में नहीं है। उसकी नजर सिर्फ एक ही है कि ये सारे भगवान के बनाए हुए जीव हैं, वो सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। इतने बड़े वैरागी हुए वो सबको एक ही दृष्टि से देखते थे कि सब भगवान के बनाए हुए जीव, और कोई दृष्टि थी नहीं उनकी। और कहते हैं जब कल आप प्रसंग सुनेंगे, कल से हम राजा परीक्षित का प्रसंग उठता है, सुखदेव जी उनको कथा सुनाते हैं और 7वें दिन तक फिर वो ही सुनाते हैं, और उसके बाद राजा परीक्षित भगवान के धाम जाते हैं। तब पूछा जाता है कि भाई गुरु हो तो ऐसा हो। देखिए पहले की बात अलग थी, पर आज व्यक्ति गुरु बनाने से पहले भी 100 बार सोचता है कि क्या करे क्या देखे। इतने तो समझदार हम नहीं हुए कि गुरु को परख सके। खुद को परख सकते हैं उससे गुरु की भी परख हो जाती है। तो अगर साधारण शब्दों में कहूं तो गुरु का कार्य है आपको भगवान से जोड़ना, ना कि खुद से। अगर किसी गुरु से मिलने के बाद आप भगवान का नाम जप ज्यादा कर रहे हैं, भगवान की बातें ज्यादा हो रही है, तो सही जा रहे हैं। लेकिन अगर किसी गुरु से मिलने के बाद भगवान का नाम तो कम, गुरु का नाम ज्यादा हो रहा है, भगवान की फोटो छोटी और गुरु की फोटो बड़ी होती जा रही है, इसका मतलब गलत जा रहे हैं। तो जब भी आप गुरु बनाएं, कि हम आज कई संतों से मैं गुरु बनाते हैं, तो इस एक बात का ध्यान रखिए बस कि उनका कार्य है आपको भगवान से, ना कि खुद से जोड़ना। वो तो एक बस निमित्त है बीच में, बस इतना सा परख। और इसमें परखना भी खुद को है कि हम क्या कर रहे हैं, कि गुरु को परखने वाली बुद्धि हमारी अभी इतने ही समझदार होते तो बात ही, किसको गुरु की जरूरत ही नहीं होती किसी को, पर हमें जरूरत है। खुद को परखिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक बात याद रखिए, इंसानों को भगवान मत बनाइए। सबसे कहूंगी मैं, इंसान को इंसान रहने दीजिए, भगवान को भगवान रहने दीजिए। इतिहास उठाकर देख लीजिए, आपने जब जब इंसानों को भगवान बनाया है गलत हुआ है। और फिर आप इल्जाम उन पे लगाते हैं कि उसने कर दिया, आपने कर दिया। इंसान को आप भगवान का दर्जा दे दोगे, किसकी बुद्धि खराब नहीं होगी? उसको भी लगेगा ना कि भाई जो है सिर्फ हम ही है, क्योंकि वो इंसान है। इंसान तो इंसान ही रहेगा ना, उसकी बुद्धि एक कद पर जाकर रुक जाती है, वो भगवान नहीं बन सकता। इसीलिए भगवान ने शायद शास्त्रों में अपने सारे अवतार बता दिए। कल आप सुनेंगे भगवान के अवतारों के बारे में, कल के प्रसंग है। क्यों बताए, क्या जरूरत थी बताने की? ताकि आपको पता चल जाए कि भगवान कह रहे हैं भाई मेरे इतने ही अवतार हैं, बाकियों को मेरा अवतार बनाना बंद करो। हम गलती करते हैं, हम भगवान बना देते हैं लोगों को। आप श्रद्धा रखिए, आप आदर सम्मान करिए, भगवान मत बनाइए, भगवान एक ही है। तो यहां पर सुखदेव जी के अवतार की कथा आती है। अब चलते हैं नेमिषारण्य वन में, जहां 88,000 ऋषिगण बैठे हैं, इनको कथा सुना रहे हैं सूत जी। और इन 88,000 ऋषिगणों में जो सबसे बड़े ऋषि हैं उनका नाम है शौनक ऋषि, तो सबको शौनकादि ऋषियों के नाम से संबोधित
करते। शौन काली ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं, अज्ञान ध्वंत विधवंशा कोटि सूर्य समा प्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्णे रसायनम। वो कह रहे हैं कि हम सब अज्ञानी हैं, आप में एक नहीं दो नहीं करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान रूपी प्रकाश है। हमें बताइए कलयुग के जो जीव हैं उनका कल्याण कैसे होगा, क्योंकि वो बहुत दुखों से ग्रसित होंगे, रोगों से पीड़ित होंगे। आज बड़े बड़े रोग हैं लोगों को, बचपने से रोग शुरू हो जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को रोग हो रहे हैं। तो व्यक्ति ऐसे समय पर कहां ध्यान जाएगा कि अपना कल्याण कैसे हो। तब सूत जी बताते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास नरनाश हे तवे श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भाषितम। काल व्याल मुख ग्रास, काल एक सर्प की तरह है जो सबको अपना भोजन बनाते हुए आ रहा है, यानी सबकी आयु निश्चित है। देखिए एक बच्चा है छोटा सा, वो बड़ा होगा कि नहीं होगा इसमें संदेह है, बताओ। संदेह माने डाउट, बताओ। दो उत्तर मिल रहे हैं मुझे, चलिए कौन कह रहा है कि डाउट है, हाथ उठाना। और कौन कह रहा है कि डाउट नहीं है, हाथ उठाना। और जिसमें किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, चलिए सही उत्तर है, डाउट है। आपको तो आयु नहीं पता ना बच्चे की, कुछ दिन की भी आयु नहीं हुई तो यानी संदेह है। वो पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा इसमें संदेह है, उसकी शादी होगी कि नहीं होगी इसमें संदेह है, उसके बच्चे होंगे कि नहीं होंगे इसमें संदेह है, वो मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें संदेह है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, एक ही चीज निश्चित है, बाकी सबका कुछ पता नहीं क्या होगा नहीं होगा जीवन में। एक चीज निश्चित है, मृत्यु आई, व्यक्ति इसी को भूल जाता है, इसलिए वो अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसले भविष्य पर छोड़ता है। परिवार के साथ समय भविष्य में, जिंदगी कब जिएंगे भविष्य में, भगवान को कब मनाएंगे भविष्य में। सच्ची बात है, क्योंकि देखिए हम हर दूसरे दिन नई जगह जाते हैं, नई लोगों से मिलते हैं, तो कई बार जब हम युवाओं से मिलते हैं, और युवा मतलब 30-32 साल की बात हो रही है, कोई यहां 18-19 नहीं है ना, यानी 30-32 साल के ऊपर के लोग हैं, तो उनसे जब मिलाया जाता है कि परिवार के लोग ही मिलाते हैं कि भाई ये कथा करते हैं, आप टीवी पे यूट्यूब इत्यादि पे संस्कार चैनल पे कथाएं बहुत चलती है, तो वो कहें कि भाई आप देख सकते हैं, तो कई जवाब देते हैं कि भाई हमारी उम्र है ये सब देखने की, जब आएगी तब देखेंगे। तो मेरा एक साधारण सा प्रश्न है उन सभी से कि उम्र आएगी ये पक्का है, वहां तो बोल नहीं सकते, देखिए फिर लोगों को लगता है कि आप बदतमीज व्यक्ति है, यहां हम सब बोल सकते हैं, यहां बैठकर हमको इतना है कि हम कितनी भी सच्ची बात है कड़वी बात है बोल सकते हैं। तो उम्र आएगी पक्का है नहीं, तो आप जिंदगी का कितना बड़ा काम भविष्य पर छोड़ रहे हैं,
आज व्यक्ति भगवान को मनाना बुढ़ापे के लिए छोड़ता है कि विचार करिए आज आपके अंदर किसी चीज की ताकत नहीं है, हाथ पैर कांप रहे हैं आपके और कांपते हुए आवाज में आप कहते हैं अब भगवान को बुलाएंगे, भगवान के तब हम बुलाएंगे। गया तुम्हारा बुलाने का टाइम, हम मेरे बुलाने का टाइम है, अब बुला के क्या करोगे? शास्त्र आपको पढ़ने को कहा जाता है, शास्त्र पढ़ने को क्यों कहा जाता है? क्या सिखाते आपको शास्त्रों से बताओ, किस चीज का ज्ञान? जीवन जीने की कला सिखाई जाती है शास्त्रों से कि जीवन जीते कैसे है, ये आप सीख कब रहे? जीवन ही नहीं बचा। आप खुद दिमाग से सोचिए, कॉमन सेंस वाली बात है कि व्यक्ति रामायण महाभारत श्रीमद् भागवत ये सब जीवन जीने की जिसमें कलाएं हैं ये कब खोल रहा है? जब मरने वाला है तब तो ये बैठ रहे हैं सीखने के जीवन, और फिर आप सर पीटेंगे क्या करना था, क्या किया? तो ये सीखना कब है? पहले जब जीवन शुरू हो रहा है। तो आध्यात्म तो युवाओं के लिए है। ये पता नहीं किस व्यक्ति ने ये अफवाह फैला दी जो अभी तक चलती आ रही है, जरूर वही व्यक्ति होगा जो चाहता ही नहीं था हम भगवान से जुड़े, कि जिसने ये कह दिया कि पूजा पाठ बुढ़ापे का काम है। इस चक्कर में कितनी जिंदगियां खराब हो गई। वरना एक बात बताइए, आप कितने हैं जो अपने घर में पूजा करते, हाथ उठाना, तो आप भगवान को फूल चढ़ाते जब पूजा करते? हाँ कि ना? कौन कौन चढ़ाता है? हाँ, तो कितने दिन पुराना फूल लेके आते आप? फ्रेश। और कितनी देर के लिए चढ़ाते हैं, मतलब उतारते कब है? अगले दिन। तो यानी एक दिन के लिए, केवल एक दिन के लिए आप भगवान के लिए ताजा फूल लेकर आते हैं उनको चढ़ाने के लिए। लेकिन जब खुद को चढ़ाने की बारी आती है, इतने पुराने हो जाते हैं तब जाके चढ़ाते हैं खुद को, हाँ कि ना? तो हम भी कब भगवान के पास, यानी भगवान के करीब होना चाहिए? जब तो 10 चीज करने लायक हो, विचारों में सोचने लायक हो, जब किसी चीज के लायक नहीं बचे तब तो आप भगवान को मना रहे। सब खत्म, खाली समय, कुछ करना नहीं, काम नहीं, तब आप भगवान को मना रहे और पूरी जिंदगी आपने गलत रास्ते अपना लिए। तो अध्यात्म युवाओं के लिए, और जिसको ये डर है कि भक्ति मतलब सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता, जो उसको दी जा रही है जो आगे जाके राजा बनने वाला है। अर्जुन राजा बनने वाले हैं, राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसके पास है, धन किसके पास है? है किसी के पास? उसको तो भगवान ने नहीं कहा कि राज्य छोड़ दे, खजाना छोड़ दे, बोला भगवान ने। अर्जुन जरूर कह रहे डर के मारे कि ये युद्ध करने से अच्छा तो मैं वैराग्य ले लूं, वन चला जाऊं। तो भगवान ने कहा ये कायरों वाली हरकत है, तुम्हारा धर्म ये नहीं कहता, तुम योद्धा हो, तुम्हारा काम है युद्ध करना। तो एक बात याद रखिए, यहां बैठा हर व्यक्ति एक अर्जुन है जो रोजाना अपने दिमाग के अंदर एक महाभारत का युद्ध लड़ रहा है और अपने कृष्ण को ढूंढ रहा है कि कोई तो आए मुझे बता दे मुझे करना क्या है, मुझे पता नहीं है मुझे क्या करना है। लेकिन वो कृष्ण आपके घर में गीता जी के रूप में बैठे हैं, कोई उसको खोल नहीं रहा। रखे सबके घर में होंगे, है ना? लोग रखते हैं, हाथ जोड़ेंगे, खोलता कोई नहीं।
उसको खोलिए, पढ़िए। पूजा पाठ नहीं सिखा रही आपको गीता जी, बिल्कुल नहीं सिखा रही। जीवन जीना सिखा रही है कि जीवन जीते कैसे हैं। यहां तक कि आप जब सच में गीता जी पढ़ना शुरू करेंगे ना, बहुत शुरुआती पन्नों में युद्ध की बात हो रही है, फिर तो भगवान ने बात ही पलट दी। मानो भगवान को बहाना चाहिए था बस जिंदगी जीना सिखाने के लिए। तो सिर्फ शुरुआती पन्नों में युद्ध की बात हो रही है, फिर युद्ध की बात ही नहीं हो रही, जीवन की बात हो रही है। जीवन जीते कैसे, करते क्या है, सोते कब है, खाते कैसे हैं, आध्यात्म का जीवन कैसे अपनाते, ये बातें हो रही है। तो इसलिए आध्यात्म युवाओं के लिए। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि छोटी सी आयु में अगर कोई कल्याण कर सकता है वो है श्रीमद् भागवत कथा। आइए आइए आज की कथा को यही विराम देते हैं। जैसा मैंने कहा, अभी बैठो बैठो, बहुत जल्दी है, 5 मिनट और आरती करके जाना है सबको। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अब हर दिन कल से एक विशेष आकर्षण है, तो कल का विशेष आकर्षण है महादेव जी और पार्वती जी का विवाह। कल भोले बाबा की शादी है, तो आइए सज धज कर आइए, अच्छे से एकदम तैयार होकर। और समय आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि पहले दिन थोड़ी तैयारियां ज्यादा होती है तो इसलिए थोड़ी देर हो जाती है। 6 बजे आप सभी से निवेदन है कि आप सभी पहुंच जाए, ताकि हम समय पर विराम भी कर सके, आप घर जा सके। आइए कुछ सूचना और फिर सभी आरती कर घर जाए। राधे राधे, सब बोलिए आज के आनंद की जय, बोले कन्हैया लाल की जय, जय श्री राम, जय श्री श्याम। आज हमारे यहाँ लोकल ब्रिटिश कोलंबिया के सरी के वैनकूवर के सब भक्तों को मुझे पता है बहुत आनंद आया होगा। आज day 1 है, कल 6 से 8:30 भागवत का दूसरा दिन होगा, तो सब लोगों ने 6 बजे नहीं आना है, क्योंकि 6 बजे फिर बैठने की व्यवस्था करनी होती है। 5 बजे सबने पहुंच जाना है, ताकि हम सब लोग आराम से बैठ सके। और इसके अलावा हमारे पास 1 दिन खाली है, 6 दिन के यजमान हमारे पास हैं। जैसे आज के हमारे यजमान आदरणीय